हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन सीक्रेट्स। आज मैं आपके साथ मेथी का गोटा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हमें आधा कप जितना गेहूं का दरदरा पिसा हुआ आटा ले लेना है और उसको रोस्ट कर देना है। गेहूं का दरदरा पीसा हुआ आटा रोस्ट करके डालने से इसका दानेदार टेक्सचर आता है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। हमें यहाँ पे आटा को 4-5 मिनट्स तक लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। एक अच्छी स्मेल आना शुरू हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ये रोस्ट हो गया है। अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके ऊपर 1.5 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से हमारे गोटे जब भी बनेंगे तब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। आटा आपको गर्म लगे तो आप चम्मच की मदद से मिक्स कर सकते हो, मेरे लिए ये मैनेजेबल है। अच्छी तरह से मिक्स होके रेडी हो गया है। अब हम एक बाउल में 2 कप जितना मेथी के पत्ते को बहुत ही बारीक बारीक कट करके ले लेंगे। अब हम उसमें 2 कप जितना बेसन का आटा ऐड कर देंगे। उसके बाद हम उसमें प्रिपेयर किया हुआ गेहूं का आटा ऐड कर लेंगे। अब हम खलदस्ते में 1 टीस्पून जितना कोरिएंडर सीड्स लेंगे और 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर लेंगे और दोनों को अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। क्रश हो जाने के बाद हम उसको बाउल में ऐड कर लेंगे। अब हम 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। टू टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा हाथ में मसल कर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून अजवाइन हाथ में मसल कर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करेंगे और सॉल्ट अकॉर्डिंगली टेस्ट ऐड करेंगे। 1/4 कप जितना योगर्ट ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए हुए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ऐसा करने से आपको हमारी नई नई रेसिपी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद अब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप वाटर ऐड किया है। हमें थिक बैटर बनाना है, बहुत पतला नहीं बनाना है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे और एक थिक बैटर बनाएंगे। थोड़ा सा बैटर अभी थिक है, इसी वजह से हमने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। करीबन 2-3 टेबलस्पून जितना पानी ऐड किया है।
हमें ऐसा ही बैटर चाहिए जिससे हम अच्छी तरह से गोटा फ्राई कर सकें। अब हम उसमें 1 टीस्पून जितना लेमन जूस ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। हमें बैटर को अच्छी तरह से फेंटते हुए मिक्स करते जाना है। ऐसा ही थिक कंसिस्टेंसी वाला बैटर चाहिए हमें। अब हम उसमें 1/4 टीस्पून बाइकार्बोनेट सोडा जो आता है, खाने का सोडा, वो ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे तेल को गरम करने रख दिया है। उसी तेल में से 1 टेबलस्पून हॉट ऑयल लेके बैटर में ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक ही दिशा में मिक्स करते जाएंगे, हमारा बैटर फैटते जाएंगे, इतना ही हमारे गोटे जालीदार और सॉफ्ट बनेंगे। ये बैटर रेडी होके तैयार हो गया है। अब हम तेल चेक कर लेंगे गरम हुआ है या नहीं। हमारा तेल गरम हो गया है। हमने 2 ड्रॉप्स डाले हैं बैटर के, तुरंत ही ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब ये है हमारा तेल गरम होके रेडी हो गया है। अब हम हाथ की मदद से मेथी का गोटा को ऑयल में फ्राई कर देंगे। मेथी का गोटा का बैटर हाथ में लेंगे और अंगूठे की मदद से उसे ऑयल में ड्रॉप करेंगे। हम ऐसे ही अलग अलग ड्रॉप करेंगे, सो एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। हाई फ्लेम पे मेथी का गोटा जल जाएगा और लो फ्लेम पे मेथी का गोटा में ऑयल घुस जाएगा। इसी वजह से हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम ही रखनी है। गोल गोल हल्के हाथों से घुमाते जाएंगे और उसको गोल्डन ब्राउन कलर का होए तब तक हम उसे फ्राई करते जाएंगे। हमारा ये गोटा फ्राई होके रेडी हो गया है। हमें ऐसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए। अब हम उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे प्लेट में पेपर टॉवल रख दिया है। ऐसा करने से मेथी का गोटा का एक्सेस ऑयल जो होता है वो पेपर टॉवल में चला जाता है। इसी ही तरह हम हमारे सभी मेथी का गोटा को फ्राई करके रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मेथी का गोटा बहुत ही टेस्टी और जालीदार और सॉफ्ट बनके तैयार होते हैं। एक बार आप इसी मेजरमेंट का यूज़ करके ज़रूर बनाना। गर्मा गर्म मेथी का गोटा रेडी टू सर्व है। आप देख सकते हो अंदर से कितने सॉफ्ट और जालीदार बने हैं। फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।